ये जो नीचे है ना, ये क्लिफ हैंगर सेक्शन है। ऊपर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बस फेविकॉल से चिपका हुआ है। लाल पीला था ना, यही है क्लिफ हैंगर। भाई तगड़ा है यार, देखो पहाड़ तो बिल्कुल क्लिफ हैंगर वाले हैं, खड़े हुए एकदम। भाई कहाँ पहाड़ उधर है ना, देखो बोला उधर, वहाँ कहाँ क्रॉस किया हमने बोला। भाई प्रॉपर ऑफ रोड है, प्रॉपर ऑफ रोड है। ओ भाई एक गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरी तो आंखें नहीं बोल रही है सीरियसली। और इस आदमी के भाई, एक आदमी होता है खर्राटा लेता है, एक आदमी होता है जो रात में चिल्लाता है नींद में। और भाई ये बेड इतना अगल बगल में लगा हुआ ना, चिपक जाते भाई, मैंने मना थोड़ी किया था। बाकी जी ये रहा कुछ किल्लार का नज़ारा, सामने देखो वैली क्या मस्त दिख रही है ना। हाँ, खतरनाक सी रिवर बैरियर, काफ़ी हाइट है यार। और काफ़ी ठंड भी थी कल रात में, मतलब जैकेट वैकेट वाली ठंड नहीं, बट नॉर्मल जो हम कल रुके थे ना, उससे ज़्यादा ठंड थी। ओह, मिला जुला के आज का प्लान ये है, मेरे तो ओट वोट फटने लगे यार। मिला जुला के आज का प्लान ये है कि अभी यहाँ से अपन जाएंगे किल्लार की तरफ, नहीं किश्तवाड़ की तरफ। जो क्लिफ हैंगर सेक्शन है ना, वो कल रात में लोगों ने बताया कि क्लिफ हैंगर सेक्शन एक्चुअली 2022 या 2021 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक एक्सीडेंट, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। और उस एक्सीडेंट के बाद ना एक नया रास्ता बना दिया गया, बट अभी क्या है ना कि उस पर गाड़ी नहीं जा सकती, आप पैदल जा सकते हो। तो अब देखते हैं पैदल जा पाते हैं, ड्रोन को भेज पाते हैं, क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। एटलीस्ट दूर से वो सेक्शन दिख जाए। तो हाइट तो देखो, उसकी हाइट तो बहुत तगड़ी है, तो अब उसी हाइट को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे सीधे क्लिफ हैंगर सेक्शन। और फिर रात में पता नहीं कहाँ स्टे होगा। फर्स्ट हमने ऊपर ही मंगा लिया था, क्योंकि अच्छा खड़े के सब खा रहे हैं, बुफे सिस्टम। भाई मैंने तो आलू के पराठे मंगाए थे, ये रहे बस, ये दो आलू के पराठे मोर देन सफिशिएंट दिन भर के लिए। भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, आज जो हमारा रोड रहेगा ना, वो देखो ये दिख रहा है। एक मिनट मनोज भाई, एक मिनट चुप। ये देखो नदी के बगल से जो रोड जाता हुआ ना, एक बार थोड़ा जूम करता हूँ, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। ये वाला रोड दिख रहा है, ये इस रोड से, और इस रोड से हमें हाइट अटेन करते हुए ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ को क्रॉस करना है। मतलब गजब वैली व्यू नज़ारे होंगे भाई आज, गजब के नज़ारे। हेलो हेलो हेलो, ठीक हो? हेलो हेलो, देख भी नहीं रहे। ओ भाई शीशा साफ कर रही है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ना, तो मनुज भाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो ड्राइव करना है ना, मेरा काम ड्राइवर वाला है भाई। मैं थोड़ा अंदर डैशबोर्ड वगैरह कर देता हूँ, ये डैशबोर्ड भी काफी गंदा हो गया है। कहाँ हमने प्लान किया था कि सुबह 8:30 बजे निकल जाएंगे, लेकिन मनोज भाई साहब सीरियसली नींद ही पूरी नहीं हो रही है यार। हाँ, एक तो ना मैं क्या ही बोलूँ, नींद होगा तो पूरी होगी ना भाई, कोई सोने देगा तब तो पूरी होगी ना भाई। एनीवेज चलो, यहाँ से ना किश्तवाड़ का रास्ता डाला है, और किश्तवाड़ यहाँ से 5 घंटे का रास्ता। बल्कि पूरा किश्तवाड़ हम जाएंगे नहीं, सिर्फ क्लिफ हैंगर सेक्शन को कंप्लीट करके हम वापस जाएंगे मनाली आज। हाँ, मनाली का स्टे रहेगा भाई। मनाली आए हुए बहुत टाइम हो गया ना, इस बार लद्दाख किया नहीं था। चलो भैया स्टार्ट करें भैया आज की अमेजिंग जर्नी। स्टार्ट बोलो श्री अम्बे मात की जय। यहाँ के भी रास्ते काफी पतले ही हैं, गाड़ी गुड़ी रोड पे लगा देते भाई, निकलने की जगह ही नहीं रहती है। कोई ना, अब तो निकल गए। पांगी से पंगा लेने के बाद हम निकल चुके किश्तवाड़। तो भाई आज पांगी वाला रोड तो खैर एनीवेज मतलब खतरनाक ही था यार। बाकी यहाँ पे ना हमें सिर्फ एक डंडी मिल रही थी जियो की, ठीक है, उस पे जो इंटरनेट आ रहा था उसी से व्लॉग व्लॉग अपलोड किया। अदरवाइज यहाँ पे एयरटेल वोडाफोन कुछ नहीं है। एयरटेल में कॉलिंग वॉलिंग आ सकती है, इंटरनेट नहीं है भाई। ये क्या सिस्टम है भाई, इंटरनेट नहीं है, कॉलिंग आ सकती है। चलो कोई नहीं, अब तो जो है जैसा है ऐसा ही है, ऐसे में मैनेज करके चलना है। रोड में चलाने का ना तो मजा ही अलग है भाई। कल जैसे हमारी हालत थी ना, मतलब पूरा दिन ऑफ रोड यार। साहब साहब बता दो ना, सूज गए थे थोड़ी सूजी थी ना। हाँ थोड़ी नहीं भाई, बहुत सूजी थी। शाम तक आते थे तो ऐसा था कि भाई मैं एकदम इतना ज्यादा फटीग फील कर रहा था ना, कि मैंने फिर मनोज भाई को बोला जब ये रोड आए थे तो शायद में। एक मिनट दर्शकों को बता दो, कल गाड़ी मनोज भाई ने खूब चलाई है। हाँ 20 किलोमीटर, 17 किलोमीटर बाकी था जब मैं सो रहा था। 45 मिनट दिखा रहे। तो भाई रोड खराब हो गया क्या? नहीं थोड़ा सा है ये। अच्छा तो आप सो रहे थे ना यार, पता ही नहीं है। हाँ पता ही नहीं है भाई। मजेदार है यार, मतलब ये ना इतना अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है ना, मतलब बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। मिला जुला के ना एकदम वीराना सा गांव और एकदम मस्त नज़ारे मतलब, लेकिन है ज़बरदस्त यार। पांगी वैली एक्चुअली बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको एडवेंचर पसंद है ना तो भाई दिस इज़ अ मस्ट प्लेस फॉर यू। क्लिफ हैंगर सेक्शन का छोटा सा छोटी बहन है यार। भाई साहब पहाड़ देखो, ऊपर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बस फेविकॉल से चिपका हुआ है। गजब रास्ते यार। मनीष भाई कल ये रास्ता आया था? बिल्कुल आया था भाई, मैंने ड्राइव करी थी ना, आपको क्या पता। कसम से अच्छा हुआ मैं सो रहा था, मैंने भी थोड़ी सुझवाई थी भाई। भाई तगड़ा है यार। हाँ एक साइड पूरा घाटी और मतलब एक्चुअल जो क्लिफ हैंगर खुला होता ना तब तो भाई मजा आ जाता यार। ये नहीं था ना? अरे 100% था। नहीं, अरे तुम अभी कच्ची पक्की रोड पे चढ़ जाओगे, भूल गए क्या तू? अभी देख तू थोड़ा सा आगे जाके भाई यही है क्लिफ हैंगर। हां और वो था, वो देखो लाल किला था ना, जैसा यही है क्लिफ हैंगर कर रहे थे अपन। चाचा यही है क्लिफ हैंगर। वो लाल किले को कैसे बोलते हैं अपन? देखो पहाड़ तो बिल्कुल क्लिफ हैंगर वाले हैं, खड़े हुए एकदम। तेरे को दिख रहा है यहां से राजा? अरे रुक जा, अभी रुक जा, थोड़ा सा आगे चल, तेरे को दिखाता हूं। देख जिस पुल से हमने राइट लिया था ना, वहाँ से लेफ्ट था किश्तवाड़ और राइट था किल्लाड़। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वही पुल से पुल निकल चुका है। पुल तो अब आएगा भाई, कहाँ पहाड़ उधर है ना, देखो बोला उधर, वहाँ कहाँ क्रॉस किया हमने बोला। भाई बहुत मेजर डिस्कशन के बाद, क्योंकि मैं तो सो रहा था, उसके बाद निष्कर्ष निकला है कि भाई ये रास्ता नहीं आया था और हम किश्तवाड़ की तरफ ये नया रास्ता लेके जा रहे हैं। और उन्होंने बोला था कि 20 किलोमीटर का ऑफ रोड रहेगा। आई थिंक वो ऑफ रोड स्टार्ट, हाँ ये इसी को कह रहे थे कि ऑफ रोड रहेगा। निष्कर्ष ये निकला कि मैं ठीक बोल रहा था कि ये रास्ता नहीं आया, रास्ता नहीं आया था। झूठा आदमी भाई। ऑफ रोड ना एक दिन सही लगता है, 2-3 दिन कंटिन्यूस हो जाना तो जहाँ पे कल दर्द हुआ था ना वहाँ पे फिर से उठने लगता है भाई। वो तो अभी भी सूजी हुई है सही में। और रात में आपने सोने मेरे को अच्छे से दिया ही है भाई। देखो मैंने पूरी कोशिश की थी और मैं हर बार वार्निंग देता हूँ कि भाई सो जा विकास भाई, सो जा सो जा सो जा, लेकिन गब्बर आ जाएगा। सामने क्या मस्त ये है झरने का बाप। हाँ सीरियसली अभी तक कितने देखा उन सब में भाई, बहुत सही लग रहा है ना, बड़ा ही सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर है भाई, अल्टीमेट यार। कितना प्यारा लग रहा है भाई, बेहतरीन। अच्छा ये नदी इधर से इधर जा रही है। हाँ तो उधर से उधर ही जाएगी, उधर से और किधर जाएगी। ये आ गया जी जम्मू, यहाँ से 327 और किश्तवाड़ 107 किलोमीटर। नीचे ही जाना ना, हाँ ऊपर तो कहीं और ही जा रहा है। अरे अच्छा चेक पॉइंट है भाई, पुलिस चेक पॉइंट आ गया। ओ ये वो तो नहीं है ये पूछ रोड के अंदर? पता नहीं एग्जैक्टली, बताएंगे यही बताएंगे। तो यहाँ पे हो रही है अपनी एंट्री, ठीक है। उस एंट्री में मेरे को अपने गाड़ी का आरसी, लाइसेंस और बाकी जितने भी लोग हैं ना उनका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी। मनोज भाई एंट्री करा रहे, एंट्री कराते हैं, उसके बाद देखते भैया कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। क्लिफ हैंगर सेक्शन कल हमें बताया गया था कि क्लिफ हैंगर सेक्शन में ना जो एक्सीडेंट हुआ था ना उसके वजह से एक दूसरा रोड बना दिया गया है और वो जो मेन जो क्लिफ हैंगर सेक्शन वाला जो पहले रोड था ना उसको बंद कर दिया गया है। गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल जा सकते हो, लेकिन पैदल कितनी दूर तक जाओगे यार। अल्टीमेटली तो वहाँ पर ड्राइव करने का फन था ना, और वो फन खत्म हो चुका है हमारी ज़िंदगी से। तो वो मज़ा मैं हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहता, जिसने पहले ले लिया उसने ले लिया भाई। एक और चीज़ पता चली है कि ये JNK और हिमाचल का बॉर्डर है और इसके बाद अपन JNK में एंटर हो जाएंगे। भाई सामने वाले पहाड़ देखो यार, क्या ज़बरदस्त है। ये देख रहे हो, ये देखो, ये पता नहीं आपको कितना दिख रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा, और इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, अमेजिंग अमेजिंग यार। और यहाँ से ना रोड वैसे ही है भाई, रोड का ना यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है। वैली काफ़ी डीप है और पहाड़ काफ़ी सुंदर, आपको दिख रहा है ना मनोज भाई, गजब सुंदर है ना। ये आपको सामने हिमाचल और कश्मीर का बॉर्डर दिख रहा होगा, देखो कैसे रोड्स हैं अभी आगे। हाँ और उसके बाद हम थोड़ी देर में JNK एंटर कर जाएंगे। सही है यार। मस्सा आयरन ब्रिज, ओहो पुराने जमाने का लग रहा है ना। हाँ ये एकदम स्पीति वाली याद नहीं दिला रहा है, स्पीति में जैसे नाको नहीं उधर पूह के पास जैसा रहता है, एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। और भाई साहब ध्यान से थोड़ा, क्योंकि इसके लोहे वोहे भी निकले। और इधर एक नदी बहती हुई, भाई क्या नदी है, देखो इधर इधर देखो मनोज भाई, क्या जबरदस्त लग रही है ना, वहाँ से तो बहुत ज्यादा। हाँ अरे यार झाड़ी जंगल आ गया। अरे भाई आगे वेलकम बैक। हाँ कश्मीर इंटर हो गए हम। वेलकम बैक टू खड्डा खाई। खड्डा खाई ये देखो, ये है ऐसा रास्ता। हाँ और ये रास्ता दिखाऊं, ये ऐसा भाई, इसमें अगर सामने से कोई गाड़ी आई क्या ही होगा। और पहाड़ भाई 0.5 पे आपको ना छोटे लग रहे हैं, इतने ऊंचे पहाड़ है, इतने ऊंचे पहाड़ है ना। किश्तवाड़ फॉरेस्ट डिवीजन, ये ऐसे करके हेयर पिन बेंड्स हैं। और धूल इतनी ज्यादा उड़ रही है ना, चार है और भी। हाँ धूल बहुत ज्यादा है, बहुत रोड है ही नहीं भाई, बहुत डेंजरस है तो यार। हाँ पगडंडी पे चल रहे हैं, पगडंडी पे चल रहे हैं। आगे दिख नहीं रहा है ना, बोनट ऊपर आ जा रहा है तो आगे दिखता नहीं है। खतरनाक है जो हमने कल की है, पता है। हाँ चढ़ान भी खतरनाक है ना, चढ़ान देखो इसकी यार भाई, पत्थर की चुम्बी ना ले लेना भाई। नहीं ये यहाँ पे ग्रेवल है ना पूरा ये। अब बताओ यहाँ कौन सी गाड़ी आएगी, बताओ चाचा वैभव। आएगी आएगी गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन ये है कि देखो एक जगह से मोड़ नहीं पा रहे। देखो यार लंका ये देखो भाई, अब भयंकर लंका। वो देखो कैसे खड़ा पत्थर भाई, ध्यान से। हाँ। पत्थर है वो। ओ भाई प्रॉपर ऑफ रोड है, प्रॉपर ऑफ रोड है। ओ भाई आहा आगे ना जा रहा। ओ तेरी फुली सांस खतरनाक। मतलब कल वाली रोड ना कुछ भी नहीं थी इसके सामने भाई, कुछ भी नहीं थी इसके सामने। नहीं ये एक्चुअली पता है क्या, ये ऐसा है ना कि ये प्रॉपर ऑफ रोड है। अगर 4x4 गाड़ी नहीं रहेगी ना, नहीं ये नहीं, यहाँ नहीं चढ़ेगी भाई। यहाँ चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। आई होप गूगल हमें सही रास्ता बता रहा हो भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका भी कोई भरोसा नहीं है ना, पता लगे सामने भालू खड़ा हो। आगे बेटे। काफी दिन से काफी लोग आए नहीं थे, जब से नया रास्ता बना है काफी लोग नहीं आए थे। आ गए बेटे, आओ तुम्हें जंगल की सैर कराऊं, ऑफरोडिंग। भाई बहुत स्टीप है यार, बहुत स्टीप है। वही तो बहुत खतरनाक है भाई ये। गाड़ी मैंने 4 हाई में डाला हुआ है। हाँ भाई डालनी पड़ेगी तो, क्योंकि अदरवाइज ना स्किड करेगी, लोडेड है ना पूरी। भाई यहाँ पे दो ही तरह की गाड़ियां हंसती हैं, एक कोई भी 4x4 और दूसरी लॉर्ड आल्टो। लॉर्ड आल्टो भी नहीं आ पाई। अरे वो चढ़ जाती है भाई, चढ़ जाएगी लेकिन ग्राउंड क्लियर नहीं है ना। अरे भाई वो खदेड़ के चलते हैं भाई। ओनली लॉर्ड आल्टो। 4x2 में चढ़ाऊं, देखो चढ़ती है, चढ़ाओ भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एकदम से हाइट ले रहा है। हाँ हाइट तो ले रहा है, और साथ में यार रास्ता देख कितना ज्यादा ही गंदा है। 4x2 पे सांस ले रही है। हाँ, चढ़ेगी तो जरूर। हाँ, लेकिन हाँ, पर वो होगा स्मूथ नहीं चढ़ेगी, स्मूथली टायर स्किड करेगी। हाँ, ट्रैक्शन सब पे चला है ना। हाँ, चढ़ेगी तो जरूर, जान बहुत है ना गाड़ी में। हाँ, 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, बट बिना ग्राउंड क्लियरेंस के तो फट जाएगी यहाँ गाड़ी। अरे चिर जाएगी बिल्कुल, छोटी खड़े पत्थर है, गाड़ी एकदम टेढ़ी झुकी हुई है आपके साइड। भाई मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा ना कि यहाँ पे आप लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी, आप बिना 4x4 वाली गाड़ी लेके आओ। मतलब देखो चाहने के लिए ना तो आप अल्टो भी लेके आ जाओ, लेकिन यही है कि अंदर से अंडर बॉडी पूरी खत्म हो जाएगी। इतने बुरे रास्ते ना, मतलब कल हमें 4x4 लगाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी थी। आज जब हम चढ़ रहे थे इस वाले सेक्शन पे जहाँ पे हेयर पिन बेंड से, भाई बिना 4x4 के ना गाड़ी स्किड कर रही थी। मतलब इतना लूज ग्रेवल था, और यहाँ से तो नीचे आपको खैर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट भाई अचानक से ही ना हम बहुत ज़्यादा हाइट अटेन कर लिया हमने। तो मिला जुला के ना ये पूरा जंगल के बीच से कश्मीर का रास्ता जा रहा है, और दोनों साइड पूरी हरियाली। भाई सुंदर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और गाड़ी भाई एक नंबर परफॉर्मेंस। मैं मनोज भाई को भी कह रहा हूँ, मनोज भाई लेना तो फॉर्चुनर लेना और विकास भाई दिलाना। अच्छा ये वाला लास्ट वाला काट दूंगा ना एडिटिंग में। अरे देख रहे हो रास्ता, मतलब ऐसा लग रहा है पगडंडी, 20 लाख रुपए दे देना। पगडंडी पे नहीं चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। बात क्यों काट रहे हो? अरे बात सुनो तो सही, पगडंडी पे नहीं चल रहे हैं। बट नीचे जो वैली है ना भाई बहुत ही ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा ना मनोज भाई, डर लग रहा देख के भाई साहब। मैं अकेला को डरूं, अपने दर्शकों को भी थोड़ा डरा दूं यार। दर्शक तो वीडियो देख रहे हैं, सामने देखो, सामने ओ भाई ये देखो यार, सामने देखो, ये जगह ही नहीं है भाई, बिल्कुल जगह नहीं है बिल्कुल। अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। प्लस रोड्स नहीं है यार, आप ना एक्चुअली पत्थरों के ऊपर चला रहे हो, मतलब हर जगह सिर्फ पत्थर पड़े, पत्थरों के ऊपर। ये सामने देखो, सामने नीचे अपने साइड, अपने साइड देखो भाई। हाँ टूटे पड़े हैं भाई, एक टायर उसके एकदम बगल से गया था भाई, सारी रोड टूटी पड़ी है। रोड है कहाँ? ये तो जब से हम कश्मीर इंटर हुए हैं तब से पगडंडी पे ही चल रहे हैं। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। भाई ये है सामने, अभी आपको दिखाता है, ये जो नीचे है ना ये क्लिफ हैंगर सेक्शन है, और जो नया रोड बना है वो ऊपर से बना है। अब इसको ना थोड़ा जूम करते हैं। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये है क्लिफ हैंगर सेक्शन। हाँ ये वाला जो पूरा रास्ता है ना, ये दो पहाड़ के बीच को काट के ये पूरा रास्ता बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत यार, यहाँ से ना पूरा पहाड़ का जो व्यू है ना वो आ रहा है। और जो नया वाला रोड है ना वो जा रहा है ऊपर, तो क्लिफ हैंगर सेक्शन वाला नीचे जा रहा है। लास्ट मैंने बताया था कि एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ऊपर वाला रोड बन रहा है। ये वाला रोड भी देखो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे पूरा, मतलब मिला जुला के ना वही अपना अच्छा रोड बन जाएगा। तो फिर वो जो रॉ एडवेंचर है ना, वो जो क्लिफ हैंगर सेक्शन का जो रॉ एडवेंचर है वो ख़त्म हो जाएगा। बट क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब मिला जुला के इतना ज़्यादा एडवेंचरस है ना ये। आई डोंट नो ड्रोन उधर तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, कैसे होगा, बट एक बार कोशिश करके देखेंगे ठीक है, क्योंकि वैली है और सामने नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, तो एक तो ड्रोन शॉट बनता है, बाकी ड्रोन का कितना हिसाब किताब रहेगा वो तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलो ड्रोन सेटअप करते हैं। वहाँ तक ड्रोन ले आने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है ना वैली में, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है ना कि भाई ड्रोन वहाँ पे ना, मुझे फुटेजेस में पता चल रहा था भाई, अपने आप ही कैमरे का ISO पता नहीं क्या हो रहा था, धूप आ रही थी हवा की वजह से, होता क्या हो रहा था, मेरी तो एक बार के लिए ना बहुत बुरी फटी भाई, गया पंछी अपना वहीं पर गया क्लिफ हैंगर सेक्शन में ही, मतलब अंदर ही चला गया। बट मिला जुला के बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है यार, मतलब जो रोड्स अभी हमने कवर किया ना बहुत ही अमेजिंग। अब क्या है ना कि यहाँ से अपन U-टर्न लेंगे, क्योंकि अपने को आज रात में पहुँचना है मनाली।